सनसनी ऑफ इंडिया। विरोधी गैंग से बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर्स व खतरनाक गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने अपने कुछ गुर्गों के साथ मिलकर दिल्ली कैंट इलाके से फॉर्च्यूनर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गैंगस्टर रोहित चौधरी के इशारे पर कुणाल उर्फ बच्चा उर्फ टक्कल ने जेल में बंद होने के दौरान प्रिंस पर ब्लेड से हमला करवा दिया था, जिससे प्रिंस के चेहरे पर चोटें आई थी। इसलिए पैरोल के दौरान प्रिंस ने अपने प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टरों से बदला लेने की योजना बनाई। इससे पहले कि इलाके में बड़ी गैंगवार होती, एजीएस क्राइम ब्रांच द्वारका की टीम ने फॉर्च्यूनर कार लूट कांड के मास्टरमाइंड प्रिंस तेवतिया को दबोच लिया। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया पर मर्डर, लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट के लगभग 16 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। गैंगस्टर के पास से क्राइम ब्रांच ने एक चोरी की अपाचे बाइक, 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 देशी पिस्टल, 7.6 एमएम के 20 व 8 एमएम के 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिनांक 29 अक्टूबर 2022 की सुबह थाना दिल्ली कैंट इलाके में 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर फॉर्च्यूनर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फॉर्च्यूनर कार लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उस समय इस वारदात का वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। जांच में पुलिस को पता चला था कि गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने अपने कुछ गुर्गों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों को दबोचने के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वारदात के कुछ दिनों के अंदर ही आरके पुरम व सनलाइट कॉलोनी क्राइम ब्रांच की टीमों ने गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया के 3 गुर्गों 24 वर्षीय सौरभ, 29 वर्षीय प्रकाश व 25 वर्षीय हनी रावत उर्फ बड़ी आंख को तो दबोच लिया था, लेकिन वारदात का मास्टरमाइंड प्रिंस तेवतिया अभी तक फरार था। दिल्ली पुलिस को इस बात का भी डर था कि जब तक तेवतिया बाहर है, इलाके में कभी भी गैंगवार हो सकता है। गैंगवार के खतरे को टालने के लिए प्रिंस तेवतिया का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। दिल्ली के प्रतिद्वंद्वी गैंगों के बीच गैंगवार को रोकने के लिए रोहित मीणा, डीसीपी क्राइम ने नरेश कुमार, एसीपी एजीएस की सुपरविजन व इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एसआई सचिन गुलिया, एसआई मुकेश, कुलदीप ब्रजलाल, हेड कांस्टेबल विनोद, दीपक नरेंद्र, श्याम सुंदर, मिंटू, पप्पू व धर्मराज की एक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को जांच में पता चला कि गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया दक्षिणी दिल्ली के इलाकों से सट्टा संचालकों व बिल्डर से रंगदारी वसूलता था। अगर कोई उसे प्रोटेक्शन मनी देने से मना करता तो आरोपी उसके ऊपर फायरिंग कर देता था। वारदात के बाद से ही तेवतिया बार बार अपना पता और ठिकाना बदल रहा था। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की टीम ने सबसे पहले अवैध हथियार रखने वाले व गोलीबारी की घटनाओं में सक्रिय रूप से शामिल गैंगस्टरों पर नजर रखने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाया। मुखबिरों से इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को जानकारी मिली कि गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी गैंग से बदला लेने की योजना बना रहा है। साथ ही टीम को यह भी पता चला कि तेवतिया योजना को अंजाम देने के लिए अवैध हथियारों के साथ नजफगढ़ इलाके में आएगा। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलते ही टीम ने छावला नजफगढ़ नाले के पास जाल बिछाकर गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया को दबोच लिया। तलाशी लेने पर तेवतिया के कब्जे से एक लोडेड पिस्टल बरामद किया गया। तेवतिया के पास एक बैग भी था। बैग की जांच करने पर 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 देशी पिस्टल, 7.6 एमएम के 20 व 8 एमएम के 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जांच में बरामद अपाचे मोटरसाइकिल भी थाना तिलक नगर इलाके से चोरी की पाई गई। इस मामले में पहली सफलता आरके पुरम क्राइम ब्रांच को मिली थी। इंस्पेक्टर राकेश कुमार की टीम ने 24 वर्षीय सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात के समय बाइक सौरभ चला रहा था। दूसरी सफलता इंस्पेक्टर राजीव बमल एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम को मिली। टीम ने वारदात में शामिल 29 वर्षीय प्रकाश व 25 वर्षीय हनी रावत उर्फ बड़ी आंख को दबोच लिया था। हनी रावत ने चोरी की बाइक का इंतजाम किया था, जबकि प्रकाश ने गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया के साथ मिलकर कार मालिक को पिस्टल दिखाकर धमकाया और गन प्वाइंट पर फॉर्च्यूनर कार लूटी थी। पूछताछ में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने बताया कि वो एक माह की पैरोल पर जेल से बाहर आया था और उसे दिनांक 27 अक्टूबर 2022 को जेल में सरेंडर करना था। इसी दौरान उसे पता चला कि कुणाल उर्फ बच्चा उर्फ टक्कल नामक बदमाश जमानत पर बाहर आया हुआ है। गैंगस्टर रोहित चौधरी के इशारे पर कुणाल उर्फ बच्चा उर्फ टक्कल ने जेल में बंद होने के दौरान मुझ पर ब्लेड से हमला किया था, जिससे मेरे चेहरे पर चोटें आई थीं। पैरोल के दौरान मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टरों से बदला लेने की योजना बनाई। गैंग के सदस्य भानु, हनी, राकेश, राका, सौरभ और प्रकाश के साथ मिलकर बदला लेने की साजिश रची। मुझे अपनी योजना को अंजाम देने और पुलिस के चंगुल से बचने के लिए एक गाड़ी की जरूरत थी। योजना के मुताबिक हनी रावत उर्फ बड़ी आंख चोरी की बाइक का इंतजाम कर गुरुग्राम के एक होटल में ले आया, जहां हम सभी ने शराब पी।
गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने आगे बताया कि वो प्रकाश और सौरभ के साथ होटल से चोरी की मोटरसाइकिल पर टारगेट की तलाश में निकला। बाइक सौरभ चला रहा था। हम दिल्ली कैंट इलाके के 24/7 स्टोर पहुंचे, जहां मेरी नज़र एक फॉर्च्यूनर कार पर पड़ी। मैंने और प्रकाश ने कार मालिक को लोडेड पिस्टल दिखाकर धमकाया और गन प्वाइंट पर फॉर्च्यूनर कार लूट ली। इसके बाद कार को कटरोला में खड़ा कर दिया। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया के खिलाफ थाना वजीराबाद, प्रीत विहार, मालवीय नगर, अंबेडकर नगर, सनलाइट कॉलोनी, साकेत, तिलक नगर, बाहरी उत्तर व स्पेशल सेल नॉर्थ ईस्ट में लगभग 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया लोनी गाजियाबाद के विकास नगर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। इसने चिराग एनक्लेव GK1 स्थित एक प्राइवेट स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की है। इसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। इसकी बहन की शादी हो चुकी है और भाई पढ़ाई कर रहा है। इसके पिता DDA से सेवानिवृत्त हैं और माँ हाउस वाइफ है। वर्ष 2010 में इसके पिता का किसी से झगड़ा हो गया था। कुछ समय बाद प्रिंस ने अपने पिता से झगड़ा करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी थी। थाना अंबेडकर नगर पुलिस ने FIR संख्या 87/2010 धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय आरोपी प्रिंस ने उम्र में राहत पाने व खुद को नाबालिग बताने के लिए कोर्ट में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पेश किया, जिस पर थाना साकेत में FIR संख्या 50/2012 IPC की धारा 468/471 के तहत जालसाजी का केस भी दर्ज किया गया। वर्ष 2013 में वह सेंट्रल जेल में गैंगस्टर रोहित चौधरी के संपर्क में आया। उसके बाद खास सदस्य के रूप में रोहित चौधरी गैंग में काम करने लगा। वर्ष 2014 में प्रिंस जमानत पर रिहा हुआ और गैंगस्टर रोहित चौधरी के आदेश पर केबल ऑपरेटरों, सट्टा ऑपरेटरों, बिल्डरों से रंगदारी वसूलने लगा। जनवरी 2015 में प्रिंस का अपने पड़ोसियों रघुराज, विशेष और नरेश के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में प्रिंस ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से तीनों घायल हो गए। इस वारदात को लेकर थाना अंबेडकर नगर में FIR संख्या 72/2015 धारा 307/34 व 25/27 अर्ज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। फरवरी 2015 में प्रिंस का प्रवेश नाम के एक वकील के साथ विवाद हो गया और इसने प्रवेश के पैर में गोली मार दी। इस घटना को लेकर थाना मालवीय नगर में FIR संख्या 385/2015 धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अप्रैल 2015 में प्रिंस नेहा नाम की एक लड़की से मिला और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद प्रिंस ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया, लेकिन लड़की नहीं मानी। गुस्से में प्रिंस ने लड़की के पेट में गोली मार दी। इस वारदात को लेकर थाना सनलाइट कॉलोनी में FIR संख्या 252/2015 धारा 307 व 25/27/54 अर्ज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगस्त 2015 में प्रिंस तेवतिया को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। उसके बाद गैंगस्टर रोहित चौधरी के निर्देश पर प्रिंस फिर से केबल ऑपरेटरों, सट्टा ऑपरेटरों, बिल्डरों से रंगदारी वसूलने लगा। जनवरी 2016 में रोड रेज के एक झगड़े में प्रिंस तेवतिया ने अभय नामक एक व्यक्ति के पैर में गोली मार दी थी। मनोज नाम के एक राहगीर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस ने अपने साथियों मोनू और सनी के साथ मिलकर मनोज के पैर में गोली मारकर उसकी कार लूट ली। इस मामले में प्रिंस को 2018 में गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था। समय बीतने के साथ प्रिंस तेवतिया रंगदारी के बंटवारे को लेकर रोहित चौधरी गैंग से अलग हो गया था। वर्ष 2019 में प्रिंस अपनी शादी के लिए पैरोल पर छूटा और पैरोल जंप कर गया। अक्टूबर 2019 में स्पेशल सेल और प्रिंस तेवतिया की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद प्रिंस को दबोचे कर जेल भेज दिया गया। जेल में गैंगस्टर रोहित चौधरी के कहने पर कुणाल ने प्रिंस पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें उसके चेहरे पर कई चोटें आईं। वर्ष 2020 में प्रिंस को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद भी प्रिंस नहीं सुधरा। मई 2020 में प्रिंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी डीलर को धमकाया और उसके घर पर फायरिंग की। फायरिंग की घटना को लेकर थाना वजीराबाद में प्रिंस और उसके साथियों के खिलाफ FIR संख्या 212/2020 धारा 336/34 व 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जून 2020 में प्रिंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर संपत्ति के मुद्दे पर एक रामवीर चौहान नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इसको लेकर थाना वजीराबाद में FIR संख्या 227/2020 धारा 302/34 IPC व 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसी दिन प्रिंस तेवतिया ने अपने सहयोगियों हरिकिशन, हनी रावत व विक्रांत को प्रीत विहार इलाके में एक दक्ष नामक व्यक्ति को धमकाने व जबरन वसूली के लिए भेजा।
इसको लेकर थाना प्रीत विहार में FIR संख्या 106/2020 धारा 336 IPC व 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को स्पेशल सेल ने प्रिंस देवतिया को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। सेल ने FIR संख्या 268/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इस बार प्रिंस जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथियों से मिला और जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।